नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति लाड़नू की ग्राम पंचायत रताऊ से जो अभी यहाँ से वर्तमान के अंदर जो यहाँ की जनता ने अपना गांव का मुखिया चुन लिया है और इनसे बात करेंगे कि जो अभी कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेके गए। तो हुक्म सिंह जी यहाँ से सरपंच बने हैं और उनके जो भाई है महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, तो मुंशी के नाम से प्रसिद्ध है इस क्षेत्र के अंदर। तो इनसे बात करेंगे अभी गांव के अंदर जो पंचायत के अंदर कौन कौन से जनता के बीच में मुद्दे लेके गए जो आप पूरा करोगे। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है और पहले बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो मैं आपको पूरे ग्राम की तरफ से और ग्रामवासियों की जनता की तरफ से मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप जयपुर से चल के हमारे गांव रताऊ में पहुंचे। इसके लिए जितनी भी कोई बीच रास्ते में आपको मुसीबतें आई उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप समस्याओं से जूझते हुए यहां पहुंचे। मैं रताऊ की ग्राम पंचायत का ही व्यक्ति हूँ और रताऊ ग्राम पंचायत का ही निवासी। वैसे थोड़े से दिन से मैं डीडवाना रहने लग गया था। लोग ये कह रहे थे कि डीडवाना रहता है लेकिन रहता यही हूँ। ये दिल में बसा हुआ गांव है मेरे और गांव की जनता ने जितना आशीर्वाद देना चाहिए था उससे कई गुना बढ़ करके आशीर्वाद देख करके हमें इस गांव का विकास कराने के लिए एक युवा टीम को मौका दिया है, न कि अकेले महेंद्र सिंह को मौका दिया है। काफी बड़ी टीम लगी हुई थी, उस टीम को मौका दिया है। टीम की अंदर कई भावनाएं हैं और कई उनके अंदर ये विश्वास भी था कि अपन जीत जाएंगे तो ये करेंगे, तो वो तो मुद्दे तो काफी है, लेकिन मेन मुद्दा एक तो गांव की पानी का निकास का है जो बस्सी बासे होते हुए लोहारों के मोहल्ले में जाता है, उसकी समस्या का हल करना मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। दूसरा, कई जगह ऐसी है जहां नालियां में पानी और कीचड़ इतना भरा रहता है कि वो गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी मिटाने का प्रयास करेंगे। तीसरी समस्या इस गांव के अंदर है कि जो गांव का एक आम रास्ता जो बड़ी बस स्टैंड को जोड़ते हुए स्कूल तक जाता है और वो कई गांव को भी जोड़ता है, वो रास्ता अभी की हालत उस रास्ते की बहुत ज़्यादा खराब है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक गांव में एक प्लॉटों के नाम से 40 साल पहले एक आबादी कटी हुई है और उसके पट्टे आज तक जारी नहीं हुए 40 साल से, उसके पट्टे जारी करवाने का प्रयास करेंगे हम लोग मिलकर के सब ग्रामवासी और ये ग्राम पंचायत के जितने भी वार्ड पंच उप सरपंच जितने हुए वो सब मिलेंगे। एक हमारे गांव की ठोलियों की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे वो वार्ड नंबर 12 और 13 है, उसमें पानी पीने के पानी की समस्या है, उसको मिटाने का भी प्रयास करेंगे। तो महेंद्र सिंह जी, जैसे आपने बताया जनता के बीच में आप काफी मुद्दे लेके गए जिसका आप भरपूर प्रयास करोगे उनको मतलब उनके समस्या का समाधान होगा। तो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप जयपुर से चल के यहाँ तक पहुँचे, तो मैं बता दूं आपको पूरे मीडिया के माध्यम से मैं पूरे भारत देश के अंदर विजिट करता हूँ, पंचायत राज भी ही देखता हूँ। तो आज जो पंचायत राज की जो नींव रखी थी वो नागौर से रखी थी, जो न्यायपालिका प्रथम न्यायपालिका माना जाता है ग्राम पंचायत को, लेकिन जनता को न्याय नहीं मिल पाता और जनता को कोर्ट या थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपके जैसे भाई साहब को यहाँ से मौका मिला तो क्या यहाँ की जनता को सही न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, यहाँ की जनता को सही न्याय मिल पाएगा और हम प्रथम प्रयास ये करेंगे कि किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कोई विवाद हो जाएगा तो उसको यहाँ ही निपटाने की कोशिश करेंगे, लास्ट स्टेज तक इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। कोई कारणवश अगर ऊपर चला जाएगा तो कोई भाई को समझाने के भी प्रयास करेंगे कि ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक होगा यहीं प्रयास करेंगे कि वो यहीं सलट जाए। जी, तो जैसे पिछली बार भी सरपंचों ने खूब संघर्ष किया था, 24 सूत्र मांग थी सरपंचों की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और कुछ ऐसे टेंडर का भी विरोध था तो बहुत से मतलब बाधा आ रही थी काम करने के अंदर, तो क्या वो लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, लड़ाई तो एक अलग किस मुद्दा है। जी जी, लड़ाई जारी रहेगी, ये एक चलता रहता है लोकतंत्र में और अपने अपने संगठन के हिसाब से लड़ाई करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। वो भी एक गांव के विकास के लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे लोग, तो वो जारी रहना चाहिए। गांव के विकास के लिए ही सरपंच अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, भी सरपंचों के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। तो जो अभी आपसे बात कर रहे हैं जो जीत का जो शेर है, तो सबसे बड़ा ये किसको देना चाहोगे आप? ये तमाम ग्रामवासियों को देना चाहूंगा, वैसे तो मेरे साथ लगी हुई टीम है उसको देना चाहूंगा, फिर भी तमाम ग्रामवासियों ने मेरा सहयोग दिया, इसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत की जनता को और जितने भी नागरिक यहाँ बैठे हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो जैसे आपके सामने कई ऐसे और कैंडिडेट जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको साथ में लेके चलोगे या उनके साथ कोई भेदभाव रहेगा? नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, मैं पहले ही दिन वो भेदभाव खत्म कर चुका हूँ, उप सरपंच बनाते वक्त ही खत्म कर चुका हूँ। उन दोनों कैंडिडेट जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी थे उनके घर हम लोग सब जाके आए हैं, चाय पानी पी के आए हैं और उनको भी निमंत्रण देके बुलाने का प्रयास करेंगे बहुत जल्दी,
और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो प्रतिद्वंदिता की भावना थी वो 22 तारीख को शाम को खत्म हो गई थी। अभी कोई वो नहीं साथ लेकर के आप आपस में एक जगह बैठ करके विकास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ की जनता ने कई ने से बोला कि महेंद्र सिंह जी बाहर से हैं और यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे सर्वे के अनुसार भी हमने देखे कई ऐसे सरपंच बन जाते हैं तो वो कई जयपुर चले जाते हैं, कोई बाहर चला जाता है, फौरन चला जाता है। तो आप जैसे यहाँ जनता के बीच में रह के जनता की समस्या का समाधान होगा? जनता ने नहीं बोला था, चुनाव में जो प्रतिद्वंदी होते हैं, चुनाव प्रचार जो करते हैं, उन्होंने बोला था। जनता ने तो स्वीकार कर लिया था पहले दिन ही मेरे को। जनता के तो दिमाग में मूड में पहले दिन हो गया था, तो वो तो हो गया आपको, इसलिए आपको जीत यहाँ से मिली। तो जैसे बात करेंगे सरकार की जो मूलभूत है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो छोटी छोटी कई योजना आती है जो जिला परिषद और पंचायत समिति में दफन हो जाती है, तो जैसे यहाँ से आपके वैसा को मौका मिला है तो वो योजनाएं जनता तक पहुँच पाएगी? बिल्कुल पहुँच पाएगी, रोज बहुत जल्द पहुँच पाएगी। तो जैसे कल 26 जनवरी है, बहुत बड़ा एक त्यौहार है देश का, तो देशवासियों को और यहाँ के जो गांव मतलब जो आपके ग्रामीण है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल देशवासियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि 26 जनवरी तो मनाते आ ही रहे हैं और इसको मनाने के लिए युवा पीढ़ी के कंधे पे वजन रहेगा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको धूमधाम से मनाइए, बहुत बड़ा पर्व है, देश के लिए गर्व की बात है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी है, टीम है, जो सबसे ज्यादा जो जीत का श्रेय जाता है वो कार्यकर्ताओं को जाता है और जो सबसे ज्यादा खुशी होती है कार्यकर्ताओं को होती है। तो एक नौजवान भी हमारे साथ है भाई साहब, इन तो आपको जैसे यहाँ से हुकुम सिंह जी को सरपंच बनाया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या उम्मीद है उनसे आपको? बहुत अच्छी उम्मीद है और वो हमारी उम्मीदों में खरे उतरेंगे जी। युवाओं के लिए क्या करेंगे? जैसी उनकी इच्छा, सभी युवाओं को वो साथ में लेके काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, विकास करेंगे और युवाओं को भी मौका देंगे जी। तो सबसे ज्यादा जो योजनाओं के लिए जो चक्कर लगाने पड़ते हैं बैंक और बैंकों के अपने क्या नाम जो पेंशन मिलती है, तो बुजुर्गों को, तो बुजुर्ग हमने देखे काफी परेशान होते हैं, तो आज उनसे बात करेंगे, एक बुजुर्ग भी साथ में। तो साहब जैसे अभी आपने सरपंच चुना यहाँ से जनता ने, तो कैसा अनुभव कर रहे हो, आपको क्या उम्मीद है उनसे? अच्छी तो क्या उम्मीद है सर आप? बहुत अच्छी बात नहीं, क्या उम्मीद है सरपंच साहब से आपको? गाँव का विकास रहेंगे जी। तो सर आपको क्या उम्मीद है? बाकी तो जी तो यहाँ गुदगुद अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अच्छा वहाँ के सगड़े गाँव की मेहरबानी होगी। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया यहाँ की जनता ने इनको मौका दिया, इनके भाई साहब को एक अच्छा विकास कराएंगे और आने वाले टाइम के अंदर जनता को सही न्याय मिल पाएगा। हमारे सोगी मदन लाल के साथ में सुभाष चौधरी।